खबर मैनपुरी जिले से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के शव को पुलिस ने बरामद किया है। वही घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर नगलाडाल से शहजादेपुर जाने वाले रास्ते पर एक लड़की घायल अवस्था में पाई गई है। लड़की को गोली मार करके घायल किया गया है। पुलिस ने घायल लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना पर पहुंचे एसपी अजय शंकर राय और एएसपी ओमप्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी ने सीओ प्रियांक जैन को घटना का खुलासा किए जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम 4 बजे नगलाडाल से शहजादेपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित यदुनाथ सिंह इंटर कॉलेज के पीछे आने जाने वालों ने एक लड़की को घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को लड़की, जिसका नाम पूजा कठेरिया पुत्री सोनेलाल कठेरिया निवासी बिरोली थाना बेदपुर जनपद एटा बताया जा रहा है, उसको टांग में गोली लगी थी और वो घायल अवस्था में बेहोश थी। आनंद फानंद में पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं पुलिस को घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर नगला जशवंतपुर में एक युवक का शव शाहतूत के पेड़ पर लटके होने की जानकारी गांव वालों द्वारा दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शाहतूत के पेड़ पर युवक का शव लटका पाया। पुलिस ने मृतक के शव को पेड़ से उतारा तो मृतक युवक की जेब से एक मोबाइल व पर्स मिला। पर्स में रखे आधार कार्ड से युवक की शिनाख्त 21 वर्षीय सुग्रीव सिंह यादव पुत्र राम खिलाड़ी यादव निवासी शहजादेपुर के रूप में की गई है। आनंद फानंद में सूचना मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक की शिनाख्त होते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार युवक अपने ही गाँव के छत्रपाल सिंह की बाइक से भोगांव बाजार करने की बात कहकर दोपहर करीब 1 बजे आया था। बताते हैं कि पूजा कठेरिया उसी के साथ बाइक पर बैठकर एक अन्य साथी के साथ आई थी। घटना के बाद मृतक जो बाइक मांगकर लाया था वह जशवंत नगर के पास स्थित राजेश राजपूत के ट्यूबवेल से पुलिस ने बरामद किया है। उसने बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं गांव वालों का कहना है कि गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पूजा अपनी बड़ी बहन सविता पत्नी दिलीप कुमार कठेरिया के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए लगभग 1.5 माह पहले गांव आई हुई थी। घटना को पुलिस एक दूसरे से संबंधित मानकर चल रही है। वहीं मामला प्रेम प्रसंग का भी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तीसरा युवक कौन था इसकी जांच की जा रही है। लड़की को पहले गोली मारी गई है, उसके बाद युवक की हत्या की गई है या उसने स्वयं आत्महत्या की है, ये जांच का विषय है। किसने मारा? तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।